हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं एक छोटा सा वीडियो आज शूट कर रहा हूं, जो कि आपको यह एक रिवीजन के तौर पे होगा दोस्तों। और एग्ज़ाम का बहुत नज़दीकी डेट आ गया, समय आ गया, तो इसलिए मैं सोचा हूं कि आप लोगों को रिवीजन करवा दूं, एक छोटी सी रिवीजन, जिससे बच्चों को एक माइंड में आ जाएगी कुछ चीज़ें जो है वह प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ऐसे वो पढ़ लेंगे, है ना। अगर यहाँ ना क्लियर हो तो कहीं और भी वो, ताकि वो उन्हें एक तरह से सिलेबस के तौर पे यह एक टॉपिक सब दिख जाएगा, ये टॉपिक रिमेम्बराइजेशन हो जाएगा उनके दिमागों में, इसलिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप ध्यान से दोस्तों, ये जो मैं देखते रहिए, मैं शुरू से ये करवा रहा हूँ, ठीक है। ये दोस्तों छोटी सी वीडियो है, और इसी तरह का मैं आगे भी लाता रहूँगा दोस्तों, तो इसलिए आप लोग मेरे, और इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि मुझे एक तरह का अपने अंदर में एनर्जी हो सके कि आपको यह इस तरह का प्रोवाइड करने की। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर से चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, और फिर ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फैमिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, निकटोजन फैमिली भी बोलते हैं दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, निकटोजन फैमिली। दोस्तों ध्यान से, हम छोटा वीडियो ही बना रहे हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको रिमेम्बराइजेशन करवा रहे हैं सारे टॉपिक वाइज, है ना। इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों आपको एक होता है SPDF के ऊपर होता है दोस्तों, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं ये सभी प्रॉपर्टी मैं आपको बताते जा रहा हूँ और दिखाते जा रहा हूँ। यह आपको हालांकि मैं एक याद के तौर पे करवा रहा हूँ, आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे दोस्तों, उनके लिए है जो पढ़ चुके हैं, उनको एक तरह से ये रिवीजन मतलब एक रिव्यू करवा रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट सिंबल, एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो कि क्या है दोस्तों, जिसका 7 है एटॉमिक नंबर, क्या है, 7वें नंबर पर यह एलिमेंट्स 7वें नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली N से स्टार्ट होता है दोस्तों। यहाँ पर दूसरे नंबर है फॉस्फोरस को, मैंने यहाँ पर निकाला, ठीक है, क्या हो गया, नाइट्रोजन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक है, क्या है, आर्सेनिक है, जिसका दोस्तों पोटाश, फॉस्फोरस सॉरी पोटाश नहीं, फॉस्फोरस जिसमें 15 है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, आर्सेनिक जिसमें 33 है, एंटीमोनी जिसको SB के नाम से आप जानते हैं, और उसका 51 होगा दोस्तों एटॉमिक नंबर। बिस्मथ उसके बाद आता है दोस्तों, Bi जिसको 83, जिसका एटॉमिक नंबर है। तो ये चीज़ आपको याद करना है दोस्तों, इसको रिमेम्बराइजेशन कैसे किया जाएगा दोस्तों, एक है नेमोनिक्स है दोस्तों इसका, कि आप देशों के नाम पे आराम से इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इतना नाइट्रोजन फैमिली को आराम से आप याद कर सकते हैं ये चारों को दोस्तों। यह है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि यह नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, यानी कि N से नेपाल और P से पाकिस्तान, A से ऑस्ट्रेलिया, SB से सब, और BI से बिस्मथ, यानी कि सब बीमार, है ना। तो इस तरह से आप आराम से इजीली याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे दोस्तों बढ़ेंगे हम, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि NS2 NP3 ये है दोस्तों, यह आपको शॉर्ट में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का काम करता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें फर्स्ट में है हीलियम का, दोस्तों हीलियम का आप जानते ही है कि 2 होता है, क्या होता है, 2 होता है, जो कि S1 में क्या होता है, 2 होना चाहिए, S1 में 2 होना था, S2 2 है, फिर 2P 3 है, मतलब 3 यहाँ, 2 यहाँ और 2 वहाँ, तो कितना हो गया दोस्तों, 3 2 5 है, 2 7, तो 7 ये दोस्तों आपको यहाँ पर NS2 NP3, तो कितना, ये नाइट्रोजन फैमिली का फर्स्ट का जो नाइट्रोजन, उसका 7 होता ही है, क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसलिए यहाँ पर जोड़ने के बाद आपको 7 आ जाता है दोस्तों। यहाँ फिर दोस्तों यहाँ पर आपको है नाइट्रोजन के बाद दोस्तों यहाँ पर चले आया है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या है दोस्तों, यहाँ फॉस्फोरस का 15 है, तो फॉस्फोरस में आपको यहाँ पर देखिए 2 3 5 हो गया, 5 और 10 15 हो गया, यानी कि 10 है आपको नियोन का बेटा, तो इतना मैं आपको रिवीजन कराते हुए छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। मैं और इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से आप सब वही को कर सकते हैं अपने
रिमेम्बरिंग कर सकते हैं आप इससे, ठीक है। फिर एटॉमिक रेडियाई के बारे में आप जानेंगे दोस्तों, एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई के बारे में, ब्लॉक डी और एफ है ना, जो कि दोस्तों आपको एक ए पॉइंट के तौर पे है दोस्तों, ये इतना भी अगर आप याद कर लेते तो आपको शायद एग्ज़ाम में आपको ये पॉइंट लिखने को मिल जाएगा और आप सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा, आपको मदद मिल जाएगा। अगर ना भी कुछ जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा थोड़ा जिन सभी चीज़ों का भी याद हो जाएगा तो वो निकल सकता है ना। तो एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई, ब्लॉक डी और एफ में क्या होता है, पुअर शेप होता है, इसी के कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट्स भी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, मतलब वो गुड नहीं होता, नॉट गुड यहाँ लिखा हुआ है ना, ए पुअर शेप, सो इट इज शील्डिंग इफेक्ट्स इज नॉट इस इट्स शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि इसका शील्डिंग इफेक्ट्स ज़्यादा गुड नहीं होता, अच्छा नहीं होता, बेहतर नहीं होता। तो दोस्तों अब हम चलेंगे पीरियड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पीरियड जो बातें कर रहे हैं हम, यहाँ पीरियड की बातें करेंगे। तो पीरियड यहाँ पे दोस्तों, पीरियड एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई जो है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का क्या होता है, छोटा होता है किससे, तो स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ ग्रुप 14, ग्रुप 14 से इसका एटॉमिक रेडियाई छोटा होता है, छोटा इसलिए होता है क्योंकि इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज करता है क्या, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है, इसके कारण यह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट अट्रैक्ट करता है, स्ट्रॉन्गली बहुत मजबूती से अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस से, है ना, क्या होता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस में क्या होता है बहुत मजबूती से वो अट्रैक्ट करता है स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण न्यूक्लियस। अब ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में क्या होता है, जब हम डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप में ग्रुप के अकॉर्डिंग हम डाउन द ग्रुप दोस्तों जब पढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, कमता है, यानी कि डिक्रीज होता है किसके कारण, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है नेगेटिविटी वह कम होता जाता है ना, और शील्डिंग इफेक्ट्स भी उसका मतलब कम होता है ना, इसीलिए एस मतलब ए एस टू बी आई यानी कि आर्सेनिक से बिस्मथ तक केवल जितना अपेक्षा हम करते हैं उतना केवल या आर्सेनिक से बिस्मथ तक ही होता है, बहुत कम ही ये जो है इंक्रीज करता है नीचे की ओर जाते हैं जब आर्सेनिक से बिस्मथ तक। कोवलेंट में रेडियस इज ऑब्जर्व, इस तरह से देखा गया है इस कोवलेंट में कि बहुत कम ही थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें इंक्रीजमेंट देखा गया है, जिसके कारण क्या होता है, प्रजेंस ऑफ ए कम्प्लीटली फिल्ड, ये किसके कारण होता है, प्रजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड डी और क्या एफ ऑर्बिटल्स के कम्प्लीटली फिल्ड के कारण ऐसा होता है, मतलब कम्प्लीटली भरने के कारण ऐसा होता है। पुअर शेप, पुअर शील्डिंग इफेक्ट्स होता है इसका, पुअर शेप भी होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट्स होता है इसके कारण। आयोनाइजेशन इनथैल्पी, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करेंगे, आयोनाइजेशन इनथैल्पी नाइट्रोजन फैमिली का, जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई जो होता है वह एटॉमिक का जो साइज होता है वह बढ़ता जाता है, सॉरी हाँ एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं किसके किस में, तो पीरियड में, यदि पीरियड वाइज जाते हैं तो वह क्या होता है कम होता जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो कम होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है ना। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करना ना भूले दोस्तों, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि मैं आगे भी करता रहूँ इस तरह से आप लोगों को हेल्प। दोस्तों एग्ज़ाम के टाइम आ गई है और मेहनत से आप लोग पढ़ें अच्छे से और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें दोस्तों, और नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, इन सभी टॉपिक को ज़रूर ही पढ़ लें दोस्तों, क्योंकि यह सबसे बड़ा पड़ाव है, ये आपको पास करना करने के लिए सब टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वॉचिंग माई वीडियो, थैंकफुल टू यू।